एवरीवन, वेलकम टू पाथवे एजुकेशन। हमारे चैनल पे आप लोगों का स्वागत है। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं स्पर्मेटोजेनेसिस के बारे में। तो आइए चलिए शुरू करते हैं। देखिए, जब भी हम लोग किसी चीज़ के बारे में बात करते हैं तो सबसे पहले ये जानते हैं कि वो है क्या। तो इसी तरह अब हम सबसे पहले जानेंगे कि जो स्पर्मेटोजेनेसिस प्रोसेस है वो होता क्या है। स्पर्मेटोजेनेसिस इज द प्रोसेस बाय विच हैप्लॉइड स्पर्मेटोजोआ डेवलप फ्रॉम जर्म सेल्स इन टू द सेल्स इन द सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स ऑफ द टेस्टिस। वो प्रोसेस जिसमें डिप्लॉइड जर्म सेल से हैप्लॉइड स्पर्मेटोजोआ बने इन द सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स ऑफ टेस्टिस, यानी कि टेस्टिस के सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स में जब डिप्लॉइड जर्म सेल से हैप्लॉइड स्पर्मेटोजोआ बनते हैं तो उस प्रोसेस को बोला जाता है स्पर्मेटोजेनेसिस। दिस प्रोसेस स्टार्ट्स विद द माइटोटिक डिवीजन ऑफ द स्टेम सेल्स। ये जो प्रोसेस है ये शुरू होता है स्टेम सेल्स की माइटोटिक डिवीजन से, लोकेटेड क्लोजली टू द बेसमेंट मेम्ब्रेन। प्रोसेस शुरू होता है कि जब जो बेसमेंट मेम्ब्रेन होती है उसमें जो जर्म सेल्स प्रेजेंट होते हैं उनकी माइटोटिक डिवीजन से ये प्रोसेस यानी कि स्पर्मेटोजेनेसिस स्टार्ट होता है। वो सेल्स जिनसे कंप्लीट स्पर्मेटोजोआ बने उनको बोला जाता है स्पर्मेटोगोनियल स्टेम सेल्स। अब हम लोग स्पर्मेटोजेनेसिस के बारे में कुछ की पॉइंट्स हैं जो याद करेंगे। सबसे पहले तो स्पर्मेटोजेनेसिस जो प्रोसेस है वो है क्या, द प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ हैप्लॉइड स्पर्मेटोजोआ। और ये जो स्पर्मेटोजेनेसिस है इसके तीन स्टेज हैं। पहला है माइटोसिस, माइटोसिस यानी कि इक्वेशनल डिवीजन। दूसरी मियोसिस, मियोसिस यानी कि रिडक्शनल डिवीजन। देखिए, सबसे पहले जो जर्म सेल्स हैं उनमें माइटोसिस होगा ताकि बहुत सारे जर्म सेल्स जो हैं या फिर स्पर्मेटोगोनियल जर्म सेल्स जो हैं वो बहुत सारे बन जाएं, क्योंकि वो डिप्लॉइड होते हैं और जो गैमीट्स होते हैं वो हैप्लॉइड होते हैं। तो उन जर्म सेल्स में फिर होगी मियोसिस यानी कि रिडक्शनल डिवीजन, जिससे कि उनके नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स जो हैं वो हाफ हो जाएंगे। और लास्टली होता है स्पर्मियोजेनेसिस। अभी आप लोगों ने याद रखना है कि स्पर्मेटोजेनेसिस और स्पर्मियोजेनेसिस जो हैं दोनों ही डिफरेंट प्रोसेस हैं। स्पर्मेटोजेनेसिस क्या है, प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ स्पर्म्स, और स्पर्मियोजेनेसिस है डिफरेंशिएशन ऑफ स्पर्मेटिड्स। ठीक है जी, स्पर्मियोजेनेसिस है डिफरेंशिएशन ऑफ स्पर्मेटिड्स। स्पर्मेटोजेनेसिस के अंदर का एक प्रोसेस है स्पर्मियोजेनेसिस। इस प्रोसेस में क्या होता है कि जो हमारी मियोटिक डिवीजन का रिजल्टिंग सेल होता है स्पर्मेटिड्स, उनकी डिफरेंशिएशन होती है, उनमें मेटामॉर्फोसिस होता है, जिससे कि हमारा कम्प्लीटली मच्योर डिफरेंशिएटेड स्पर्म बनता है। लास्टली आती है कैपेसिटेशन। कैपेसिटेशन जो है एक ऐसे रिएक्शंस की चेन है जिससे जो स्पर्म होता है वो एग को फर्टिलाइज करने के लायक बन जाता है। छोटे छोटे पॉइंट्स स्पर्मियोजेनेसिस के बारे में। स्पर्मेटोजेनेसिस जो है ये प्यूबर्टी से शुरू हो जाता है और थ्रू आउट द लाइफ चलता है। पर डे 30×10^6 स्पर्म्स जो हैं प्रोड्यूस होते हैं, और एक बारी स्पर्म प्रोड्यूस करने में 60-75 डेज लगते हैं। और एक बार जो स्पर्म्स प्रोड्यूस होते हैं एपिडीडाइमस के थ्रू ट्रांसपोर्ट करने में 10-14 दिन लग जाते हैं। हर एक इजैकुलेशन में 20-100 मिलियन स्पर्म्स तक जो हैं रिलीज हो जाते हैं। तो अब हम लोग पढ़ेंगे प्रोसेस ऑफ स्पर्मेटोजेनेसिस की। जो स्पर्मेटोजेनेसिस हैं उसके तीन स्टेजेस हैं। जो फर्स्ट स्टेज है वो है माइटोसिस, और ये जो माइटोसिस है इसको स्पर्मेटोसाइटोजेनेसिस भी बोला जाता है। क्या बोल देते हैं हम लोग इसको, स्पर्मेटोसाइटोजेनेसिस। देखिए, यहाँ पे आपको ये जो डायग्राम दिख रहा है इसमें एक स्टेज जो है वो आपको हाइलाइटेड दिख रहा है और जो बाकी के स्टेजेस हैं वो फेड हुए हुए हैं, कि आप लोगों को आसानी से पता लग जाए कि हम लोग कौन सा स्टेज जो है अभी पढ़ रही हैं। ये हम लोग यहाँ तक ये जो स्टेज है ये पढ़ रही हैं, इसको बोला जाता है स्पर्मेटोसाइटोजेनेसिस या फिर मियोसिस। स्टेज में क्या होता है, द स्टेम सेल्स डिवाइड माइटोटिकली टू रिप्लेस स्टेम सेल्फ एंड टू प्रोड्यूस दैट बिगिन डिफरेंशिएशन। प्रोसेस या फिर स्पर्मेटोसाइटोजेनेसिस में क्या होता है कि जो स्टेम सेल्स हैं वो माइटोटिकली डिवाइड करते हैं
नए सेल्स प्रोड्यूस करने के लिए और ऐसे सेल्स प्रोड्यूस करने के लिए जो कि डिफरेंशिएट हो सके। तो वो सेल जिनमें फर्स्ट माइटोटिक डिवीजन हुई है वो है टाइप ए स्पर्मेटोगोनिया, और टाइप ए स्पर्मेटोगोनिया ने डिवाइड होके बनाए टाइप बी स्पर्मेटोगोनिया और टाइप ए स्पर्मेटोगोनिया। फिर जो स्पर्मेटोसाइटोजेनेसिस है उससे दो तरह के सेल बनेंगे, एक तो जर्म सेल्स और दूसरे वो सेल जिनकी डिफरेंशिएशन हो सके। अब ये जो स्पर्मेटोगोनियल सेल होते हैं ये स्फेरिकल ओवल होते हैं, जैसे ये है, ये सेल की आप लोग शेप देख सकते हो, ये स्फेरिकल या ये ऑलमोस्ट स्फेरिकल हैं, और ये रेस्ट करते हैं बेसमेंट मेम्ब्रेन पे एंड रेस्ट ऑन द बेसमेंट मेम्ब्रेन। ये जो स्पर्मेटोजेनेसिस है वो सेमनीफेरस ट्यूब्यूल्स के अंदर होता है, और ये स्टार्ट होता है सेमनीफेरस ट्यूब्यूल्स की बेसमेंट मेम्ब्रेन से, और फिर ये ल्यूमेन की तरफ ये प्रोग्रेस करता जाता है। अभी हम लोग पढ़ने वाले हैं यहाँ से लेके यहाँ तक के स्टेज को। सेकंड स्टेज था हम लोगों का मियोसिस, हुई थी माइटोटिक डिवीजन, अब होगी मियोसिस डिवीजन। ये जो माइटोटिक डिवीजन है ये रिडक्शनल डिवीजन है, इसी के थ्रू जो स्पर्मेटोजोआ हैं उनको उनका हैप्लॉइड क्रोमोजोम नंबर मिलता है, यानी कि हाफ ऑफ द क्रोमोजोम्स फ्रॉम सोमेटिक सेल्स। जो हमने पढ़ा था माइटोसिस, माइटोसिस में हमारे सेल्स थे स्पर्मेटोगोनिया, और ये मियोसिस है इसमें सेल्स को हम लोग बोलते हैं स्पर्मेटोसाइट्स। सेल्स इन द प्रोफेस ऑफ द फर्स्ट मियोटिक डिवीजन आर प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट्स। फर्स्ट माइटोटिक डिवीजन के प्रोफेस के जो सेल्स होते हैं उनको हम लोग प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट्स बोलते हैं, और प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट्स के करेक्टर क्या हैं कि इनमें हाईली कंडेंस्ड क्रोमोजोम होते हैं, उसके अलावा सेमनीफेरस ट्यूब्यूल्स में इंटरमीडिएट पोजीशन पे होते हैं। जो हमारे स्पर्मेटोगोनियम थे ये बेसमेंट मेम्ब्रेन के बिल्कुल साथ लगे हुए थे, बेसमेंट मेम्ब्रेन के ऊपर लाई करते थे, लेकिन ये जो प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट्स हैं ये सेमनीफेरस ट्यूब्यूल के इंटरमीडिएट पोजीशन में है। मियोसिस फर्स्ट का ये जो स्टेज है ये काफ़ी लंबा स्टेज है। सेमनीफेरस ट्यूब्यूल के क्रॉस सेक्शन में हम लोग काफ़ी सारे प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट देख सकते हैं। अब ये जो प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट्स हैं फर्स्ट मियोटिक डिवीजन कंप्लीट करके बनते हैं सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट्स। सेकेंडरी मियोटिक डिवीजन है वो काफ़ी क्विक है एज कम्पेयर टू फर्स्ट माइटोटिक डिवीजन। ये जो स्टेज है ये बहुत क्विक है, इसीलिए हम लोग अगर माइक्रोस्कोप में ऑब्जर्व करें तो हम लोगों को स्पर्मेटोगोनिया बहुत सारे दिखेंगे, प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट बहुत सारे दिखेंगे, लेकिन जो सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट हैं वो इतने ज़्यादा नहीं दिखेंगे। आ जाते हैं कि सेकेंडरी मियोटिक डिवीजन से हम लोगों को कौन से सेल मिलते हैं। सेकेंड मियोटिक डिवीजन है उसके जो रिजल्टिंग सेल्स होते हैं वो होते हैं स्पर्मेटिड्स। ये जो स्पर्मेटिड्स हैं ये स्फेरिकल सेल होते हैं विद इंटरफेज न्यूक्लियस, मतलब कि इनका जो न्यूक्लियस है वो इंटरफेज स्टेट पे होता है। एपिथीलियम होता है उसमें सबसे हाई हमें देखने को मिलता है। टिड्स हैं ये मेटामॉर्फोसिस करते हैं टू बिकम स्पर्मेटोजोआ। मेटामॉर्फोसिस का मतलब क्या है? मॉर्फोलॉजिकल चेंजेस। कभी भी कोई स्लाइड देखते हो सेमनीफेरस ट्यूब्यूल्स की तो उसमें आपको स्पर्मेटोगोनिया, प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट, सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट, इनको किसी को भी डिफरेंशिएट या डिस्टिंग्विश करने की ज़रूरत नहीं पड़ती, लेकिन जो स्पर्मेटिड्स हैं उनको आपको डिस्टिंग्विश करना सीखना पड़ेगा। ये सेल हैं यानी कि स्पर्मेटोगोनिया, स्पर्मेटोसाइट प्राइमरी एंड सेकेंडरी बोथ, और स्पर्मेटिड ये जो सेमनीफेरस ट्यूब्यूल्स हैं उनमें एक दूसरे से अटैच पड़े रहते हैं विद द हेल्प ऑफ साइटोप्लाज्मिक ब्रिजेस। लेकिन जब स्पर्मेटोजोआ जो है वो कम्प्लीटली डिफरेंशिएट हो जाता है तो तब ये सेल एक दूसरे से अलग हो जाते हैं। अब हम लोग आ जाते हैं लास्ट स्टेज पे जो कि है स्पर्मियोजेनेसिस। अब ये जो स्पर्मियोजेनेसिस है ये है एक तरह का मेटामॉर्फोसिस यानी कि चेंज इन मॉर्फोलॉजी, जिसमें कि जो स्फेरिकल स्पर्मेटिड्स हैं वो इलोंगेटेड स्पर्मेटोजोआ बन जाते हैं। अब जब स्पर्मियोजेनेसिस होती है, देखिए ये वाला स्टेज, देखिए जब स्पर्मियोजेनेसिस होती है तो उस टाइम ना तो कोई माइटोसिस होती है उस सेल में, ना कोई मियोसिस होती है। स्पर्मियोजेनेसिस के दौरान एक्रोसोम फॉर्म होता है, फ्लैजेला फॉर्म होता है, और जितना भी एक्सेस साइटोप्लाज्म है वो सेल से सेपरेट हो जाता है और सेटोली सेल्स में ही रहता है। जो स्पर्मेटोजोआ हैं वो सेमनीफेरस ट्यूब्यूल्स के ल्यूमेन में रिलीज हो जाते हैं, और थोड़ा सा जो साइटोप्लाज्म है
एपिडिडाइमस में शेड हो जाता है। हमारा सारा का सारा प्रोसेस ऑफ स्पर्मेटोजेनेसिस। अब यहाँ पे एक बात ध्यान रखने वाली है कि जब स्पर्मियोजेनेसिस होता है तो उस टाइम ये जो स्पर्मेटिड्स हैं ये सर्टोली सेल्स में अपने आप को एम्बेड कर लेते हैं, यानी कि सर्टोली सेल्स में अपने हेड को एम्बेड कर लेते हैं। उससे क्या होता है कि सर्टोली सेल जो हैं इनको एक्स्ट्रा नरिशमेंट प्रोवाइड करते हैं इनकी मच्योरेशन के लिए। अगर आपको हमारी आज की वीडियो अच्छी लगी है तो हमारी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब ज़रूर करें हमारे चैनल पार्कवे एजुकेशन को। थैंक यू।